अक्षिता अक्षिता आप अक्षिता के हस्बैंड हैं, आपका क्या नाम है? दिवेश। ये आपकी गुड़िया है? अदिति। अदिति बिजी है। अक्षिता के फाइब्रॉइड हो गया था, यूट्रस में फाइब्रॉइड आ गया था, इंटरनोडल फाइब्रॉइड था 11.5 mm का, और 17 मई को आपने ये रिपोर्ट कराई थी। ये लीजिए, ये देखिए, इसमें इनके फाइब्रॉइड आ गया था। तब अक्षिता का एक तो नौजिया था, चक्कर, सर दर्द, तबीयत काफी खराब हो रहे थे, और कुछ आप अलग से माइंड के भी मेडिकेशंस में थे। और क्या क्या तकलीफ हो रही थी आपको? और क्या क्या तकलीफ हो रही थी अक्षिता, आप मुझे तब का बताओ, जैसे क्या क्या दिक्कत हो रही थी आपको? मुझे चक्कर आते थे और मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, गुस्सा भी आता था, मुझे इरिटेशन ज्यादा रहता था। अब सब चीजों में नॉर्मल है, फाइब्रॉइड भी मेरा ठीक हो गया जी, जी, माइंड रिलैक्स हो गया, माइंड रिलैक्स हो गया। एक्चुअली क्या होता है, हार्मोनल डिस्टरबेंसेस होते हैं, तो वो बेवजह बात का इरिटेशन, मूड स्विंग्स होना, वो होता था। फिर आपने ट्रीटमेंट शुरू करा, ट्रीटमेंट में आपको रिलैक्स नहीं है ये फील होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने 22 अगस्त को फिर से कराया है, तो उसमें इनका फाइब्रॉइड भी गायब हुआ है, और क्लिनिकल जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट खुद भी फील हुआ। आप अक्षिता के हस्बैंड हैं, आपने भी देखा आपके वाइफ को परेशानी थी, फिर वो ठीक हुए बीच में, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इनका होम्योपैथी में? बहुत अच्छा। क्या क्या इनके नेचर में आपको लगा थोड़ा सा रिलैक्स, इफेक्टिव था? अच्छा, तो होम्योपैथी के लिए आप क्या कहना चाहोगे? आपने देखा आपको बहुत अच्छी है होम्योपैथी, मेरा ऑपरेशन होती होती बच गया, नहीं तो मेरा ऑपरेशन हो जाता, वैसी दवाइयों से ठीक हो गई मैं। जी 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 जी, ये अच्छी पैथी है। हाँ, और उसमें ये था कि तो हमारे क्लिनिकली पैथोलॉजिकली तो हम फिट एंड फाइन हुए हुए, एलोपैथिक दवाइयाँ भी छूट जाएंगी जो ब्रेन की चल रही है उसमें भी आराम मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो कहीं ना कहीं एक्चुअली पूरी होल बॉडी एक दूसरे से रिलेटेड भी होती है, जैसे कि ये इनका सिर्फ ये डिसॉल्व होने से इनके भी माइंड के सिम्टम्स रिलैक्स हो गए, नहीं तो वो फिर वो माइंड का ही केस पकड़ लेते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक उसका अंडरलाइन कॉज था। वो उधर भी हमें गुस्सा इरिटेशन बहुत ज़्यादा करा रहा था, हमारी लाइफ ही रुइन कर रहा था, और दूसरा हमें पैथोलॉजिकली भी इल करता जा रहा था, जैसे हमारे वुमेनहुड होता है तो यूट्रस में हमारे फाइब्रॉइड आ जाना, तो उस पर भी क्वेश्चन आने लग जाती हैं चीज़ें। तो आपको सिर्फ मेडिकली नहीं, मेडिकली तो हमें 3 महीने बाद पता चला था, लेकिन क्लिनिकल सिम्टम्स में आपको बहुत आराम रहा, और अभी इनका माइंड की भी जो मेडिसिन थी, ये 2 दिन से फिलहाल ये बाहर रहते हैं, आए हुए हैं, भूल गए हैं, वो भी नहीं खाई है, वो भी नहीं तो उससे भी ठीक है, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई टच वुड ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो पहले मुझे दवाई एक दिन छोड़ने पे भी चक्कर आने लगते थे, मुझे दवाई तुरंत खानी पड़ती थी, 2 दिन से मैंने कोई दवाई नहीं खाई, पर मैं ठीक हूं। अंदर से खुद इन्हें जैसे फिजिकली मेंटली फिट फील हो रहा है, और ये बिना एलोपैथी मेडिसिन के आपको अच्छा सा रिलैक्स लग रहा है। वो टेम्परेरी रिलीफ देते हैं, लेकिन अगर हमें परमानेंट क्योर भी चाहिए जैसे लाइफ विदाउट देम, तो भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। मुझे तभी अक्षिता के लिए बहुत खुशी हो रही है इनके लिए बनाते हुए ये वीडियो, आप लोगों को होम्योपैथी से इतना लाभ मिला, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। वेलकम।